नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका एस्ट्रो गुरु निकुंज। नवग्रह विधान की हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिनके अंदर राहु ग्रह का प्रभाव जबरदस्त भारी है। सूर्य सुरवीर बनावे, चंद्र शांत करे, मंगल मारे, बुध बुद्धि आपे, गुरु ज्ञान आपे, शुक्र सुख आपे, शनि सतावे और राहु रड़ावे। राहु की यदि महादशा शुरू होती है, अच्छे अच्छे लोगों की दुखी जीवन का प्रारंभ हो जाता है। राहु जमीन पे से आपको आसमान तक ले जाता है और आसमान से जमीन पर ला देता है। आज हम पूर्ण रूप से छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख करके राहु देव को प्रसन्न करें, राहु की सर्व पीड़ा में से मुक्त बने। राहु ग्रह की उपासना जैन धर्म के अंदर गिरनार तीर्थ मंडल देवीनाथ परमात्मा की आराधना बताई गई है। जिनको भी राहु की तकलीफ है, उन सभी को सबसे पहले संयुक्त परिवार में रहना चाहिए। राहु ग्रह की आराधना हेतु नेमिनाथ भगवान का जितना ध्यान करते हो, नेमिनाथ परमात्मा की पूजा करते हो, नेमिनाथ भगवान की भक्ति करते हो, तो ये सर्व दोषों में से आप मुक्ति पा सकते हो। जिनकी भी कुंडली के अंदर कालसर्प योग है, पितृ दोष है, नक्षत्र दोष है, ऐसे कोई भी दोष हैं, उन सभी लोगों को अमास के दिन गिरनार महातीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। ये गिरनार वो तीर्थ है जहाँ पर अगली 24 के 24 तीर्थंकर भगवंतों का महामंगलकारी विशिष्ट कल्याण होने वाले हैं। तो ऐसे कांकरे कांकरे अनंता सिद्धिया जगमा तीर्थ दो वड़ा शत्रुंजय गिरनार, इस पूरे विश्व के अंदर दो पवित्र महातीर्थों के अंदर गिरनार का उल्लेख है। गिरनार तीर्थ की भूमि वो तपोभूमि है, जहाँ पर आज भी हजारों साल के संत वहाँ पर विराजमान है। गिरनार की कंदराओं के अंदर ऐसे ऐसे संत विराजमान हैं जिनके थूक के अंदर लब्धि है, जिनके शब्द के अंदर लब्धि है, जिनके सांस के अंदर लब्धि है। ऐसे पवित्र संतों को नमन करते हुए आज हम राहु ग्रह की कुछ उपासना विधि सीखेंगे। राहु ग्रह की आराधना से कोर्ट कचहरी में भी तकलीफ आ सकती है। जिनकी कुंडली के अंदर कोर्ट कचहरी की कोई भी तकलीफ है, उन सभी लोगों को भैरव जी की आराधना सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। नाकोड़ा तीर्थ मंडल नाकोड़ा तीर्थ के क्षेत्रपाल भैरव जी अत्यंत जागृत देव हैं। समय शिखर के अंदर भूमिया जी, नाकोड़ा तीर्थ के अंदर भैरव जी और पालीताणा के अंदर कपरदी यक्ष क्षेत्रपाल, जिनकी आराधना से शीघ्रता फल की प्राप्ति होती है। जिनको सर्प का डंक लगा हुआ है, जिनको चोरों का भय है, उन सभी लोगों को भैरव जी की उपासना करनी चाहिए। वर्तमान समय में भैरव जी की महिमा अपरंपार है। रविवार के दिन आप तिल का दिया करते हो घर के अंदर, तो भी राहु का दोष दूर हो जाता है। अत्यंत सरल प्रभाव, हर चीज़ में आपको तकलीफ आ रही है तो सिर के ऊपर से चार नारियल उतार करके फिर आप पानी में बहा देते हो तो राहु की सारी समस्या दूर हो जाती है। जौ का दान भी अत्यंत लाभदायक माना गया है। लंबे समय से शरीर में तकलीफ है तो आपको अपने सिर के ऊपर से 7 बार सरसों उतार करके फिर आप जला देते हो तो भी आपको राहु की तकलीफ में से छुटकारा मिलता है। साथ में गोमेद का रत्न, राहु का जो रत्न है, उनको धारण करने से भी ये ग्रह संबंधी सारी समस्या दूर हो जाती है। जिनको राहु संबंधी कोई भी समस्या है, उनको खास तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। तंबाकू का सेवन करने से और राहु की तकलीफ बढ़ जाती है, तो ये चीज़ भी खास आप सब लोग ध्यान दें। राहु ग्रह की उपासना की बातें चल रही हैं, जीवन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा गिरनार तीर्थ मंडल नेमिनाथ भगवान ओम ह्रीम श्रीम अर हम श्री नेमिनाथाय नमः, इस मंत्र की आप ज्यादा आराधना करते हो तो आपके जीवन में ये सर्व ग्रह पीड़ा दोष पीड़ा दूर हो जाती है। जिनके जीवन में कालसर्प योग है, उनके लिए खास उवसगरम्मा स्तोत्र के अंदर 9 प्रकार के नागों की बात बताई गई है। उवसगरम्मा स्तोत्र के अंदर अष्ट विषधर सर्प का पूजन आता है। जिनको भी रात को नींद नहीं आती है, जिनको भी पानी के स्वप्न आते हैं, जिनको भी कुंडली के अंदर कालसर्प योग है, उन सभी लोगों को बृहत उवसगरम महापूजन कराना चाहिए। कालसर्प योग 100 कुंडली में से 98 से 99 कुंडली में मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को यह कालसर्प योग शुभ फल देता है, बहुत सारे को अशुभ फल देता है। तो आपकी कुंडली के अंदर है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप उवसगरम महास्त्रोत्र की आराधना करें। जिनकी कुंडली के अंदर पितृदोष है, उनके लिए आज हम बात करेंगे कि जिनकी कुंडली में पितृदोष है, उनको निवारण करने के लिए जिन मंदिर की ध्वजा का चढ़ावा लेना चाहिए। वो ध्वजा चढ़ाते हैं, इनके प्रभाव से उनकी 84 पेढ़ी प्रसन्न हो जाती है। आप ध्वजा चढ़ाने का लाभ नहीं ले सकते हो तो उस संघ के अंदर ध्वजा बना के भी अर्पण करते हो तो भी आपका दोष दूर होता है।
ये भी आप नहीं कर सकते हो, तो ध्वजा जब चढ़ रही हैं तब दोनों हाथ जोड़ करके आप नमन करते हो तो भी आपकी कुंडली में से पितृदोष दूर होता है। इसी प्रकार से राहु ग्रह की अलग अलग आराधना करते करते राहु ग्रह प्रसन्न हो। राहु ग्रह के प्रभाव में से मुक्त होने के लिए तगर है या नागरबेल का पान, उनको पानी में मिला करके वो पानी से आप स्नान भी करते हो तो भी आपका राहु का दोष दूर हो जाता है। राहु के प्रभाव में से मुक्त होने के लिए आप कोयले को पानी में बहा देते हो तो उनसे भी आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है। इसी प्रकार से नेमिनाथ परमात्मा की आराधना, नेमिनाथ भगवान की ध्यान धरते धरते खूब आप प्रगति पाए, खूब आपका मंगल हो, जीवन एक नई दिशा की ओर आगे बढ़े, यही मंगल कामना है।